Hello and welcome back to Chasing the Target and to another episode of Dawn Theories. Today we will be talking about Afghanistan versus Bangladesh. Point number one, Afghanistan ke batting wars continue. उल्ला बहुत मुश्किल में कर रहे हैं, 100 फॉर 2 से लेके 156 ऑल आउट, इट्स जस्ट अनएक्सेप्टेबल. ऐसा बैटिंग चलेगा तो दे विल नेवर बी एबल टू कम्पीट इन बिग टूर्नामेंट्स. अपार्ट फ्रॉम राशिद खान, कोई भी ऐसा सुपरस्टार प्लेयर अभी तक उन लोगों के पास नहीं बना है. द सीनियर प्लेयर्स हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव टू बैट थ्रू आउट द 50 ओवर्स टू गेट अ रिस्पेक्टेबल टोटल. ये ऐसा 100 फॉर 2 से 156 एक्सेप्टेबल ही नहीं है. इफ अफगानिस्तान वॉन्ट टू बिकम अ बेटर टीम, उन लोगों को बैटिंग में और ज्यादा दिखाना पड़ेगा. गुरबाज के अलावा और कोई भी अच्छा कंसिस्टेंटली बैटिंग नहीं कर रहा है उनकी टीम के लिए. बांग्लादेश हैज प्लेड वेल, उन लोगों के सीनियर प्लेयर्स हैव स्टेप्ड अप. मेहदी हैज प्लेड वेल, शाकिब हैज प्लेड वेल, बट उन लोगों को ये कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करना पड़ेगा. उन लोगों के जो आउटफील्ड ड्रामा है उनको आउटफील्ड में रखे, ऑन द फील्ड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा टू कंटिन्यू टू स्टेक अ क्लेम. बिकॉज बहुत ही मुश्किल टूर्नामेंट होंगी और दे नीड टू कंसिस्टेंटली प्ले वेल अगर उन्हें कुछ भी चांस होना तो. पॉइंटर नंबर थ्री, धर्मशाला द स्टेडियम इज ब्यूटीफुल बट आउटफील्ड में बहुत इश्यूज दिखे. मुजीब स्पेशली बहुत ही खराब वो सिचुएशन था. वी डोंट नो कि अगर आगे चल के ये प्रॉब्लम्स होंगे कि नहीं, तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा प्लेयर्स को. और स्टाफ हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ग्राउंडमैन हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टेडियम को एंड स्पेशली आउटफील्ड को, सो दैट ऐसे इश्यूज और ऐसे इंजरीज ना हो आगे. वेरी वेरी बिग टूर्नामेंट, सबको बहुत संभाल के रहना पड़ेगा और ये ऐसे काइंड ऑफ इंजरीज डेफिनेटली नीड टू बी अवॉइडेड. थैंक यू वेरी मच.